सबसे पहले कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमें सिर्फ तीन ही रिजल्ट आते हैं। पहला, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें क्या देती है? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या देती है? एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डन, तीन चीजें बस यही चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो किसी भी टाइम जीरो सेकंड पे डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो एक पे भी 10, दो पे भी 10, तीन पे भी 10, तो ये बॉडी मूव नहीं कर रही, साफ पता लग रहा है। अच्छा, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप इसकी है ही नहीं, फ्लैट है। और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? स्पीड। वेलोसिटी नहीं होती, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड। तो इसकी स्पीड क्या है? जीरो। इसमें स्लोप कांस्टेंट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको स्पीड देती है, तो पता लग रहा है कि स्लोप इसमें कांस्टेंट है, तो स्पीड भी कांस्टेंट है। पहला रिजल्ट क्लियर। दूसरा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल लें तो स्लोप चेक करो, टेंजेंट ड्रॉ करके निकलती है, स्लोप बढ़ती 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 जा रही है, स्लोप बढ़ रही है, तो यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? स्पीड। तो स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें क्या है? एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर है? ऐसे ही है। और अगर ये नीचे आ रहा है तो इसकी स्लोप कम, नीचे गिरती जा रही है, देखो ऐसे नीचे स्लोप, नीचे ऐसे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, रिटार्डेड मोशन है, स्पीड कम हो रही है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ग्राफ है तो डिस्टेंस कम नहीं हो सकता? डिस्टेंस कम नहीं होगा। अगर डिस्टेंस कम होने लग जाए तो हम ऊबर लेंगे और वो भाई कहेगा भाई 100 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है मेरी, देखो अब देखो 40 हो गई, तो आप, मैं आपको पैसे रिफंड करता हूं क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। तो टाइम के साथ डिस्टेंस इसमें क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे दो डिस्टेंसेस नहीं हो सकते बॉडी के। कोई कहे कि इस टाइम पे मैं 10 मीटर पे भी हूं और 50 मीटर पे भी हूं, ये कैसे होगा? तो एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं, इस टाइम पे डिस्टेंस 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, एक टाइम पे कितने डिस्टेंस ले लोगे? नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले बॉडी रेस्ट पे दिख रहा है, इसकी स्लोप जीरो है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, एक चीज। नेक्स्ट, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। नेक्स्ट, स्लोप बढ़ती 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 जा रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है। स्लोप कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेड मोशन है। स्लोप नीचे गिर गई, ऊपर जाती है स्लोप तो ऐसे दिखती है, नीचे जाती है तो ऐसे दिखती है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, इसे बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव स्लोप होती है उसमें टैन थीटा क्या होता है? थीटा लेस देन 90। टैन का अगर एंगल लेस देन 90 है तो वो पॉजिटिव है स्लोप, लेकिन इसके अंदर जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90। हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे दो लेक्चर के बाद थोड़ी सी, उसमें सिखाया जाएगा टैन का अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है, जैसे 120, तो आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप है इसमें। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है इसमें? नेगेटिव स्लोप का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है? कि अगर कार इधर जा रही है विद पॉजिटिव वेलोसिटी तो इस बार कार इधर आ रही है विद नेगेटिव वेलोसिटी, यानी कि डायरेक्शन उस कार की ऑपोजिट है। जैसे वो यू कर रहे थे, अगर यहाँ की डायरेक्शन पॉजिटिव है यू की, तो यहाँ यू नेगेटिव है, तो यानी कि बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर नहीं जा रही, डायरेक्शन उसने चेंज कर ली। ठीक। नेक्स्ट है, अगर ग्राफ ऐसा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो चेक करें एट टाइम टी जीरो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, फिर डिस्प्लेसमेंट 8, 7, 6 करते करते किसी टाइम पे जीरो, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ती 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 जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से जीरो से नेगेटिव, ये क्या मतलब हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे पहले डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, राइट, जैसे मैं यहाँ चलता हूँ
तो 10 मीटर मैं वो ओरिजिन है, दीवार ओरिजिन है, मैं 10 मीटर पे हूँ, 10, 9, 8, 7 दीवार तक 0, फिर वापस आ रहा हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट में -1, -2, -3, -4, -10 क्लियर है यहाँ तक? तो आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव क्या शो कर रही है कि डायरेक्शन क्या हो गई, एकदम चेंज हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, अगर स्लोप 0 है, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? एक्सेलेरेशन, तो शो कर रहा है एक्सेलेरेशन यहाँ पर 0 है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ग्राफ ऐसे स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो है उसके पास, अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इसके अंदर स्लो बढ़ती 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 जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसमें एक्सेलेरेशन बढ़ रही है, क्योंकि वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलेरेशन, तो स्लोप इसमें बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन इसमें बढ़ रही है, जबकि हमारे मोशन के अंदर हम हर क्वेश्चन में ए को कांस्टेंट लेते हैं, ए चेंज नहीं होता, लेकिन इस ग्राफ में ए बढ़ रहा है, राइट? नेक्स्ट है अगर ग्राफ ऐसे गिर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप कम हो रही है, एक्सेलेरेशन कम हो रही है, एक्सेलेरेशन कम हो रही है। अगर ग्राफ ऐसे है वीटी का, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, यानी कि रिटार्डेशन है। वैसे भी देखो वेलोसिटी 10, 9, 8 करते करते 0 रिटार्डेशन है, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, इट इज रिटार्डेशन, ठीक। अगर ग्राफ वीटी ग्राफ है और आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो एरिया निकालना होता है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, और अगर इसी ग्राफ में डिस्टेंस पूछे, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो एरियाज को ऐड ही करना पड़ेगा, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। नेक्स्ट है अगर बॉडी यहां से चलती हुई नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी पहले कितनी है? 10 है, वेलोसिटी फिर कितनी हो गई? 8, 7 करते करते 0, फिर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं, ये एक पेन है, इस पेन को मैंने फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 ऊपर की तरफ, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 करते करते 0। अब ये पेन कहां आएगा? नीचे 0, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो साइन क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -10 इन ऑपोजिट। तो ये क्वाड्रेंट क्यों चेंज हुआ? ये शो करने के लिए डायरेक्शन हैज चेंज्ड, क्लियर है यहां तक? तो ग्राफ जब वीटी ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कुछ तो है, और वेलोसिटी कम हो रही है, और फिर वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ने का मतलब डायरेक्शन हैज चेंज्ड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इसका ग्राफ के बारे में लिख दो, ना ना, वो आपको ऑब्जेक्टिव दे सकता है, ग्राफ देगा, 4 ऑप्शन देगा कि इट्स अ केस ऑफ कि वेलोसिटी हैज चेंज इज डायरेक्शन, या जो भी एनालिसिस है आपको वो ऑप्शन में देगा, आपको मार्क करना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका है इसको समझने का, और अगर सब्जेक्टिव आएगा तो वो एक लाइन पूछ सकता है क्या ये एक्सेलेरेटेड मोशन है कि नहीं, क्या ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है कि नहीं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसको हमने नेक्स्ट टाइम करना है, आज नहीं करना।